मीठा मीठा बाप है। आज 19 नवंबर 2019 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। क्यों क्यों सुनाएं? क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त, जैसे बाबा निमित्त है सारे संसार को पावन बनाने के लिए, ऐसे हम आत्माएं निमित्त हैं उन सब आत्माओं को कल्याण कराने के। कल्याण हर एक आत्मा ने अपना खुद कर, हमने किसी का कल्याण नहीं करना। कल्याण हर आत्मा ने खुद करना, क्योंकि हर एक आत्मा को अपने पुरुषार्थ का ही फल मिलता। हम तो केवल निमित्त हैं बाप का संदेश उन तक पहुंचाने के, और ये बहुत अच्छी तरह हमें समझना है। जैसे शिव बाबा निमित्त है ज्ञान हमें पहुंचाने देने के, ऐसे हम आत्माएं एक जरिया हैं, एक निमित्त हैं उन तक पहुंचाने के। परंतु किस आत्मा ने कितना ज्ञान लेना है, कितना पवित्र बनना है, ये उस आत्मा का अपना पुरुष। ये बात बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बैठी। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। ओम शांति कहने का मतलब क्या है? परिचय देना। क्या परिचय देना है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, मेरा घर शांति धाम है, मेरा पिता शांति का साथी। बातचीत आत्मा ही करती है इस शरीर के द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वे तो कह देते, अहम आत्मा सो परम आत्मा, अहम आत्मा सो परम आत्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं, बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हो, ये ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर भक्ति है रात, द्वापुर कलयुग। भक्ति है रात, द्वापुर, फिर पीछे दिन कब आए? फिर रात के बाद दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य, जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए
ज्ञान और विज्ञान है ना, तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अब देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी, ये समझने की बातें, ये समझने की बातें हैं। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान, ज्ञान से परे विज्ञान, क्या होगा विज्ञान? प्रैक्टिकल करना। ज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, जो ज्ञान हमें मिला उसको हम प्रैक्टिकल करें। योग, ज्ञान को प्रैक्टिकल क्या है? योग। अब तक हम यही समझते थे, आज बाबा एक स्टेप और आगे चले गए। पढ़ाई है ना, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, ज्ञान पढ़ा होगा परंतु ऐसे समझ में नहीं आया जैसे आज बाबा समझा रहे हैं। हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाए। आज विज्ञान क्या हो गया है? शांति धाम। क्यों हो गया शांति धाम? विज्ञान माना ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, उसे हम विज्ञान कहते हैं। फिर प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या है कि हमको जाना तो शांति में है ना, तो रिजल्ट तो शांति धाम है ना। अभी हम अपने आप को शांत रहने के लिए, जैसे कल बाबा ने कहा कि वाहयात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं कर, तो अब हम अपना समय जब बचाएंगे, नेगेटिव से भी बचाएंगे, वेस्ट से भी बचाएंगे, तो वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। कहाँ जाना है हमको? शांत रहना। यहाँ पर ही हमने पहला शांत रहना है, वेस्ट और नेगेटिव को रोकना है। फिर बाबा कहते मुख से बोलने की जरूरत ना हो, आपके संकल्प इतना सिद्ध हो जाएं कि आप संकल्प करें और सामने वाली आत्मा को समझ हो जाए, पता लग जाए, बोलना भी ना पड़े, क्योंकि सतयुग में बहुत कम कहना पड़ेगा ना। तो अभी हमने वो सिद्धि प्राप्त करनी है कि हम संकल्प से उसको क्या करें, समझा सके। मनसा सेवा यही अभ्यास करने के लिए है कि अमृत वेले विशेष रूप से सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दे। धीरे धीरे आप रोजाना साकाश देते रहेंगे तो आपकी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जिसे जो संकल्प देंगे वो उसे समझ में आ जाए। सिद्धि है ना, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिकल है ना। ये प्रैक्टिकल हमको यहाँ करना है, यहाँ के इस शरीर के द्वारा मैक्सिमम कंट्रोल में आ जाए कि हमें बोलना ही ना पड़े, संकल्प से काम हो जाए। परंतु योग जो है ना यही नहीं रुकता, योग इससे थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ हमारे थॉट आना भी बंद हो जाए, हमें थॉट करना ही ना पड़े ना। संसार के प्रति कोई थॉट करना पड़ रहा है तो वो भी मेरा अकाउंट है,
किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति यदि मुझे थॉट करना पड़ रहा है तो ये भी मेरा अकाउंट है। और जहां हम थॉटलेस स्टेज पर पहुंचेंगे तो वो परम धाम, क्योंकि यहां पर तो थॉट रहेगा ना, ये सारा विज्ञान प्रोसेस है और परम धाम उसका रिजल्ट। इसलिए बाबा एक कदम आज आगे बढ़े हैं, या हमें समझ में आया है कि प्रोसेस विज्ञान यहाँ पर प्रोसेस है, परंतु फाइनल परम धाम में जाना, उसी के लिए हम सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको हम ज्ञान से समझ कर करें, ये हमारी मर्जी है। सजा कोई हम किसके प्रति, वो हमारी मर्जी, क्योंकि रिजल्ट तो निकालना है, शांति धाम हमको जाना है, प्रैक्टिकल वही है, फाइनल उस स्टेज को हमें प्राप्त करना ही करना है। उसको ना ज्ञान ना भक्ति, परम मतलब ये क्या है हमारे पास, ना वो ज्ञान है और ना ही वो भक्ति है। विज्ञान को एक नया नाम बाबा ने आज, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं, ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में है जहां वासी जाएंगे ना, ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो, कोई समझ नहीं सकते, तुम समझाते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए, रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों को एक ही रूहानी बाप है। सारे वो आकर नॉलेज देते हैं, बाप कैसे आते हैं वे भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है, मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना, सुनना ही नहीं है, कैसे करूं। तुम्हें सिर्फ एक बाप से ही सुनना है और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाप का कहना मानो, क्योंकि वही एक पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे, भक्ति मार्ग में बेसमझाई से, रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे ची ची बन जाते हैं, शराब पीने से क्या बन जाते हैं, शराब गंदगी की और ही फैलाती है, शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है, कलप पहले लेते आए हैं, इसलिए देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कृष्ण के देवी गुणों की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है,
अभी कृष्ण की डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी विष्णु या लक्ष्मी नारायण की। कृष्ण तो बच्चा है। अब तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुग राजाई की डिनेस्टी स्थापन करते, बाप ही सतयुग की डिनेस्टी या राजाई स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल ना भी हो। बाबा कितना एक एक बात से हटाने के लिए, हल्की हल्की छोटी छोटी बातों से हटाने के लिए, क्योंकि कैसे समझाऊं। कई भाई बहन कहते कैसे समझाऊं, कोई चित्र तो चाहिए, प्रदर्शनी है नहीं मेरे पास, मैं कैसे समझाऊं। बाबा कहते चित्रों का भी आधार नहीं, अभ्यास करो ना। मतलब यही बात है, बाबा क्या चाह रहा है कि ज्ञान आपकी बुद्धि में रहे कि चित्र कहाँ है। चित्र सामने होता है तो उसमें ये होता है कि अब हमें इसके बाद ये वाला पकड़ना है, प्रदर्शनी वाली बुक है, पता है इसके बाद ये है, और उसमें कहीं आपके ये वाला पकड़ लिया, आपके इधर वाला पकड़ लिया, आपके उधर वाला पकड़ लिया, मतलब सीक्वेंस नहीं है। नहीं, कहीं भी पकड़ लो। बाबा कह रहे देखो ज्ञान को समझ जाएंगे फिर चित्रों का आधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शब्द उनके सामने चित्र बना देंगे, आपके शब्द उनके सामने चित्र बना देंगे। हमारी हिंदी में एमए में एक शब्द चित्र आता है, वह शब्द चित्र जैसे कहानी लिखते हैं ना, शब्दों से नहीं, नहीं जी नहीं, कोई शब्दों से चित्र ड्रा नहीं करना। मतलब एक इस प्रकार की अभिव्यक्ति जो सामने वाले के सामने स्पष्ट होता जाए, लिखना कहानी की तरह है, ठीक है नहीं, ऐसे कहानी लिखी जाती है। शब्द चित्र मतलब एक इस प्रकार की विधि जिसके द्वारा आप जो कह रहे हो ना वो सामने वाले को दिखाई देता है। शब्द चित्र उसका नाम दिया, जैसे को कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना जैसे हमारे सामने हो रहा है, नाटक नावल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उस विधा को नाम दिया है शब्द चित्र। बाकी वो कहानी की तरह ही जैसे लिखा जा रहा है, मतलब चित्रित कर दे, मतलब एक सामने ला दे, इसलिए उसका नाम क्या दिया, शब्द चित्र। मतलब आपके शब्द जो भी आप बोलें, शब्द बोलते ही उनको सामने समझ में आ जाए, यहीं से पढ़ाई शुरू होती है। छोटे बच्चे को आ आम कहने का मतलब उसके सामने आम आ जाए, चित्र जो है ना सामने आ जाए क्योंकि उसने आम को देखा है। तो शब्द चित्र आप इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सामने वाले को समझ आता जाए, चित्र दिखाई देता जाए। चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते, मतलब बहाना कोई नहीं सुनना चाहता। बाबा चाहता है कि एक एक बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाए, इन चित्रों को इतना अच्छी तरह समझ ले कि वो बिना चित्रों के भी समझा सके। क्योंकि चित्र पर समझना या समझाना प्राइमरी की बात है, पहली क्लास की बात है, उसके बाद तो आगे कहीं चित्र आएंगे भी नहीं। तो आप अभी प्राइमरी से आगे आओ। बाबा का जिनमें ज्ञान है वो औरों का भी कल्याण करने आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है, कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को दिखाते हैं कि कुमारियों ने बाण मारे, कुमारियों ने बाण मारे। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं, तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां भाई बहन। ये पवित्र नाता होता है, सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं,
बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, सिर्फ समझाने के लिए सारी बातें। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, अब सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर धारण करके पाठ बजाएंगे ना, शरीर धारण करके पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा भाई, शिव बाबा कोई पाठ ही ना बजाए तो फिर वो किस काम का रहा, फिर तो वो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते। शिव बाबा की वैल्यू ही तब है जब वो सारे संसार की आत्माओं को गति सदगति में ले जाते, वरना उसकी क्या वैल्यू है, जिसने कुछ करना ही नहीं फिर क्यों याद करें उसको। जैसे कोई एकदम बस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर वहां जाके बैठ जाएं, जब उनको कहते आत्मा एक्टर है इससे एक्टिंग कर रही है, अब किसी एक्टर को कहा जाए कि तुम बैठ जाओ आज से तुमने एक्टिंग नहीं करनी, कैसा लगेगा उसको, नहीं एक्टिंग तो करनी है मुझे, एक्टिंग से कोई नहीं निकलना चाहता, तुरंत कहते नहीं एक्टिंग से बैठना नहीं चाहता। तो बाबा भी यदि बैठ जाए एक्टिंग ना करे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, जबकि सारी दुनिया को सदगति पहुंचाते हैं तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वो सदगति दाता है। सर्व का सदगति दाता एक है परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं, अर्थ नहीं पता ना। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित, तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित कहते, समझते हो भक्ति की रात अलग है ज्ञान दिन अलग है, ज्ञान दिन का भी टाइम होता है भक्ति का भी टाइम होता है, ये बेहद की बात है, तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की, आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूं रात को दिन बनाने के लिए, तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं, फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है, कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है, सुख माना राम दुख माना रावण, नया शब्द है, सुख माना राम दुख माना रावण, पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं, तुम अभी माया पर जीत पाते हो अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो, ये तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, ये कोई समझेगा थोड़े, ईश्वर कैसे बातें करते हैं तुम जानते हो,
ये गॉड फादर की भाषा है क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे बाप, बाप का कहना मानने से हमारे पाप कटते जाते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का, वो चक्र है हिंसक, सिर काटने का, सिर काटने का। वो तो सुदर्शन चक्र चलाते और सिर काट देते, परंतु आप सुदर्शन चक्र चलाते तो अपनी बुराई का गला काट देते, अपने गंदे संस्कार का गला काट देते। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वो है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं लिखी, तुमको अब ये सब मालूम पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को यज्ञ याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है, बाप को याद करो और वर्षा लो। बाप का कहना मानो, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाओ, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। ये है मन मना भव मध्याजी भव मामेकम याद। तीन अक्षर हैं जो दुनिया वाली गीता में भी हैं और बाबा भी कह रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करते हैं, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे फिर जरूर होंगे, फिर तुम ही नर्कवासी हुए हो। सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑल राउंड चक्र लगाया है, हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने। नीचे नीचे गिरे, हम भारतवासी देवी देवता थे फिर हम गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है, वाम मार्ग में जाते तो कितनी छी छी बन जाते। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्र वाली बनाते थे, अब तुम जानते हो हम कितना गुल गुल बने, गुल गुल थे फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी छी बनते हैं। ये सतयुग के मालिक थे, देवी गुण वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं। और कोई फर्क नहीं है पूंछ वाला या सूंड वाला, कोई मनुष्य होता नहीं। जैसे बाबा कह रहे पूंछ वाला सूंड वाला कोई मनुष्य होते नहीं, देवताओं को उसकी सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो तो उसकी निशानी तीर कमान। भारतवासी वास्तव में है देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में
तुम्हारा है एक घराना। भारत ही सब देवताओं का देव, सब देवता घराने के हैं। जो बाप, जो बिहद का बाप स्थापन करते हैं शास्त्रों में, भारत का एक ही डेटी डिनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापना करते हैं देवी देवता धर्म की। मुख्य है चार धर्म, फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं। ये है असल देवी देवता धर्म की। फिर से उनसे और धर्म निकले हैं। ड्रामा अनुसार पहले सनातन धर्म था, अनुसार सभी धर्म निकले हैं। धर्म है देवी देवता धर्म, स्थापना कराने करने वाला भी है। कौन करते हैं? बाप करते हैं, बोलते हैं ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप के नहीं, इस झाड़ का बीज रूप हूं, ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब निकलती है। मुख्य बात है हम सारे एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं, आंखों से जो तुम देखते हो उनको भूल जाना है। ये हद का वैराग्य उनका है, हद का वैराग्य। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है, तुमको भी सारी पुरानी दुनिया से। भक्ति के बाद वैराग्य पुरानी दुनिया का, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, हम पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ है, जब तक लाइक बन जाएं, हिसाब किताब सब चुक तू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, फिर दुख होता है। बाप ने समझाया है, जो नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे इब्राहिम की आत्मा, क्राइस्ट की, दुख नहीं होता, क्योंकि वो आई हैं, उन्हें पहले दुख नहीं होता। खेल है, पहले सुख फिर दुख। नए नए जो आते हैं वो है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सब का सुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वो फिर और आत्माओं को समझाते हैं। मैंने ये शरीर धारण किया, मैंने ये शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत के में, अर्थात जब ये तमो शरीर हो जाता है तब मैं इस। उनको ही फर्स्ट नंबर में आना है, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। ये भी समझाना पड़ता है, फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा उनका पार्ट, मम्मा तो उनका पार्ट होना चाहिए ना। उसने बहुतों को शिक्षा दी, फिर तुम बच्चों में नंबर वार है। जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वे पढ़ने वाली वाले भी ऐसी कोशिश करेंगे।
जो तुम भी ऊंच चले जाते हो। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। एक को देखा एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसे नाक से पकड़ती है जो एकदम, क्योंकि अहंकार का अहंकार किया तो मरा गिरा। आगे चलकर तुम भूतों को सुनाते रहेंगे, वनर खाएंगे, ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई। हमको तो बड़ा दुख हुआ। तब आगे थे, दुखी नहीं होना, दुख लेना नहीं है। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी, माया जोर से फटकाएगी, जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे बच्चों को, फर्स्ट क्लास बच्चों, बाबा ने कितने अच्छे रमणीक नाम भी रखे। परंतु ओ मम माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना माया के साथ तुम्हारी, कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छी मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। मुख्य बातें हैं, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कलब के लिए सब सुख धाम में जाने के लिए सुख जमा करना चाहिए। वहां सत्युग में तभी सुख मिलेगा जब अभी कुछ जमा करेंगे। यहाँ ही सब हिसाब किताब चुक चुक करके सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाओ। माया बड़ी जबरदस्त है, उसे खबरदार रहना है, उसे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है, एक बाप से ही वर्षा पाना। वरदान है सदा एक रस मूड द्वारा, सदा मूड कैसा रहे एक रस। सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंतरी देने वाले मास्टर दाना, सदा एक रस मूड। आग लगो चाहे फूल बरसो,
हमारे मूड पर कोई फर्क, कोई प्रभाव। आप बच्चों का मूड की मूड सदा खुश की खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों को का मूड भी एक रस होता है। आपको कोई कुछ भी दे, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंचली, शांति की अंचली, प्रेम की अंचली दे। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपके पास जो विशेषताएं हैं वो प्रभु प्रसाद हैं। विशेषताएं बांटने का काम कौन करते हैं, कौन सी आत्माएं करती हैं विशेषता बांटने का? वरदानी आत्मा। दानी आत्माएं तो ज्ञान सुना एज इट इज आगे देती हैं, महादानी ज्ञान का मनन चिंतन करके प्रैक्टिकल करके फिर अनुभव से सुनाती हैं। दानी जैसे पढ़ा वैसे के वैसे सुना दिया, महादानी ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में अप्लाई किया फिर अनुभव से सुनाया। वरदानी वो जो उनको अनुभवी बना दे, अनुभवी बना दे, क्योंकि जैसे हलवे की रेसिपी बता दी, जैसे सुनी वैसे सुना दी और हलवा बना के फिर